काफिराना सा है इश्क है या ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस देखो और क्लाइमेट चेंज देखो इधर कैसा है उधर कैसा है। ये वाला सिस्टम चल रहा है इधर का रोड छोटा है पहाड़ी इलाका इसलिए जाम से सामना हो गया। देखते हैं कितना देर में खुलता है। बढ़ रहा धीरे धीरे आगे। हाँ बढ़ रहा। देखते हैं कितना देर लगेगा। अभी सीतापुर में कितना दूर है यहाँ से 6-7 किलोमीटर के करीब। प्रयाग पहुँच गए उतरते और मिलते हैं बाहर। थक गए बहुत ज्यादा। यहीं से सीधा चलना होगा ऊपर गौरीकुंड के लिए। और ऊपर देखो चलो आठ लेके जाइयो काहे कि आगे में बहुत इसका जरूरत पड़ने वाला है। 25 में 1 मिलेगा 100 में 4 दाम कम करवा के लेना मिल जाएगा। चेक करो गाइस व्यू वाटर व्यू लठ अपना। तो चलते हैं हम आगे मिलते हैं ऊपर और दिखाते हैं ऊपर के नज़ारे। सो गाइस चलो भगवान के दर्शन किया जाए और आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखाया जाए। चलते हैं एकदम लठ मार के। ऑफिशियली अब हम सोनप्रयाग आ गए। देख लो सोनप्रयाग आ गए और देखो ऊपर साले भाई रूम देखने के लिए यहाँ पे 4 तरह का रूम है। डोरमेट्री जैसे ये हो गया और देखते हैं पास से जाके कैसा दिखता है। 300 रुपए पर बेड सोनप्रयाग में सही है। रात भर रुकना उतना टेंशन का है ना। सोनप्रयाग में 300 रुपए का डोरमेट्री और ऊपर का रेट देखते हैं कैसा। यहाँ पे 300 था और रूम का था मतलब वैसा वाला रूम का 3500 करीब। अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या। देखो सोनप्रयाग का लास्ट यही था। ऊपर चलते हैं क्या पता ऊपर सस्ता मिल जाए कोई ठीक नहीं। तो चलते हैं अभी ऊपर और देखते हैं ऊपर कैसा मिलता है। इसको लद्दाख वाला फीलिंग आ रहा होगा हल्का हल्का। रूम मिल गया है पर 300 लगा 6 आदमी का और जोड़ लो इस हिसाब से गुना कर लो 6 गुना 3 इसी में फोर्थ फ्लोर पे। चलते हैं अभी ऊपर और रूम दिखाते हैं कैसा मिला हमको सोनप्रयाग में रूम। चलो थोड़ा डरावना है कोई बात नहीं रात गुजारना। चढ़ते हालत खराब हो गया अभी ये आगे क्या बोले अभी चढ़ना और ऊपर रूम के आगे का। ओ भाई स्वर्ग आधा स्वर्ग है फिलहाल ही। ऊपर जाके ना पूरा स्वर्ग दिखाएंगे ना मेरी जान। देख लो हम लोग 6 है। हमें चिंगी पोंगी है। आपका नाम क्या है? साई। साई चिंगी पोंगी। आपका? शिवकांत। आपका? इलू यादव। हिमांशु गुप्ता। आ मेरी जान चलते अभी अंदर। थक गए भाई लेकिन बहुत ज्यादा थक गए बहुत ज्यादा। रूम में गाइस 3 उस पे सोएगा 3 इस पे सोएगा। थक गए ना इसलिए सो गए पहले। यही है पूरे अच्छा खासा रूम है गलत नहीं। प्राइस के हिसाब से भी सही है बहुत अच्छा है प्राइस। केदारनाथ जो भी आएगा उसको एड्रेस दे देंगे हम यहाँ का। 1 नंबर रूम है भाई सोनप्रयाग में। फुल एकदम लग्जरी वाला लगता है ना 5 स्टार वैसा फीलिंग आ रहा है। लाइट का कंडीशन वैसा है प्लस बैकग्राउंड और वॉल भी वैसा है और जो बेड है 1 नंबर बेड है और पीछे का जो देखो कुशन है वो भी 1 नंबर है। एड्रेस दे देंगे जिसको आना होगा जरूर आना। 1 नंबर चीज है। 300 रुपया पर हेड पड़ा अपने हिसाब से और डिस्काउंट करवा लेना हम लोग से इतना ही हुआ। चलो अब थोड़ा देर बाद मिलते हैं थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर। ब्लॉग देख रहा है देख लो इसको ध्यान से। कभी भी केदारनाथ आना हो अभी तो खत्म कॉन्टेक्ट कर लेना भाई। 1 नंबर रूम मिलेगा 1 नंबर बवाल चीज मिल गया जो कि यहाँ नहीं मिलता बवाल चीजें। टाइम का सुनप्रयाग देखो कैसा है।
सारे होटल्स में देखो लाइट जल रहा है, एक नंबर लग रहा है देखने में होटल। इधर से जाएंगे अपना लोग कल ऊपर सुबह में, अभी देखो यहाँ पे आग जल रहा है, हाथ सेकते हैं। और इधर इसका व्यू चेक करो पूरे, क्या ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ब्लॉग को करते हैं बंद और मिलते हैं नए ब्लॉग में सीधे कल सुबह वाले में, तो तब तक के लिए बाय। हाँ, तो उसके लिए तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा खुद से, फिर यहाँ पे जो मेन रूट है ऊपर जाने का, यहाँ से पहले ऑफिस है, यहाँ से पहले वहाँ पे वेरीफाई होगा, फिर यहाँ पे वेरीफाई होगा। दोनों में से कहीं से भी आप वेरीफाई कर लो, यहाँ से करवाओगे वेरीफाई तो ऊपर जाके आपको एक किलोमीटर पहले स्लिप मिल जाएगा। तो यही एडवांटेज है, कोई रोक ठोक नहीं होगा। तो अभी चलते हैं बाहर और आगे चलते हैं। प्रयाग में होटल का मेनू देखो कितना, बैगन भरता, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, सारा चीज़ मिल जाएगा, मटर पनीर, पनीर भैया करेला, 150 का खाना, चार रोटी, दाल है क्या है, हरी मिर्च है, पानी, आलू, मटर, पता नहीं क्या है, हल्का सा चावल, इसको क्वार्टर चावल बोलते हैं। और चावल बस यही देंगे, घर से आना तो फल उल लेते आना, यहाँ का खाना का भरोसा मत रहना, बर्बाद हो जाओगे, पैसा भी बहुत लेता है, ढंग का खाना भी नहीं रहता। मटर आलू पानी में तैर रहा था, बेसिकली यहाँ का यही है, बस घूमने आओ, घर से फल फ्रूट लेकर आओ, चार दिन पाँच दिन के लिए लेकर आओ, वही खाओ, सेहत भी ठीक रहेगा, एनर्जी भी मिलते रहेगा और दिक्कत भी कोई नहीं होगा, फूड पॉइजन वगैरह कुछ नहीं होगा, बता दिए। अब इसको आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। प्रयाग में देखो यही है, इसी में होटल है, ये जो है ना होटल, मोबाइल नंबर भी यही है। इधर पीछे यहाँ से रास्ता अंदर जाने का एक नंबर रूम है भाई, जो बोलो रूम सॉलिड है यहाँ का। आना और विजिट करना, यहाँ पे कोई भी आ रहा है ना ब्लॉग के थ्रू तो यहीं पे रूम लेना, सॉलिड रूम है और प्राइस भी अभी के लिए फ़िलहाल तो सही है। देख लो पूरे यहाँ का, अभी रात का समय और रूम इसी में है, यहाँ से देखो कटिंग है हल्का सा, यहाँ से ऊपर जाने के लिए और रूम इसमें था।